तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। आज हमारे यहाँ पे अजमेर में जो बर्ड्स आती हैं, जो मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, उनको लेकर टॉपिक दिया गया और उससे रिलेटेड हम लोग पेंटिंग्स बना रहे हैं। कुछ पेंटिंग्स कोरोना से रिलेटेड भी हैं, जो कोरोना के मतलब सावधानियां रखनी चाहिए उससे के रिलेटेड हैं। तो मैं भी स्वान से बना रही हूँ, जो मतलब अपने यहाँ पे आती हैं, आना सागर के इधर बर्ड्स आती हैं, उनको उनसे रिलेटेड। और जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और मुझे वर्क करने का मौका मिला सीनियर आर्टिस्ट के साथ। आपका नाम? श्रेया सोलंकी। द्वारा यह और स्मार्ट सिटी दोनों के तत्वावधान में अभी हमने पूरे अजमेर के जो भी हमारे सार्वजनिक दीवारें हैं उस पर ब्यूटिफिकेशन का कार्य और साथ ही कोरोना जन आंदोलन के लिए जो जन जागरूकता का कार्य है वह भी हो, इसलिए यह जो वॉल पेंटिंग्स हैं वो कराई गई हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि बड़ी संख्या में अजमेर और किशनगढ़ के आर्टिस्ट आए हैं और उन्होंने खुद ने यह बीड़ा उठाया है। आप देखें, बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई है। इससे एक पंथ दो काज होंगे, एक तो शहर का सौंदर्यीकरण होगा और जो दीवारें बदरंग थी वे एक बेहतर स्वरूप लेंगी, साथ ही दूसरा जो कोरोना के लिए हमारा जो मैसेज है सेफ डिस्टेंस रखने का, मास्क का, वो भी फैलाने में हमें सहयोग मिलेगा। ये गत दिनों में संभाग आयुक्त मैडम ने एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में हम सबको बुला करके, चूँकि 2017 में भी एक तरीके से वॉल पेंटिंग नगर निगम के और जो लोकल कलाकार हैं उनके सहयोग से बनाई गई थी, तो आदरणीय मैडम ने हमें आदेशित किया था कि भाई आप एक बार वापस से उन्हें वापस करें, 3 साल में पेंटिंग ख़राब भी हो जाती है। तो हमने उन्हीं के प्रयासों में आज यहाँ सर्वप्रथम 5 जगह हमें जगह बताई गई है, 5 में से आज पहली ये जो नई चौपाटी है उसके यहाँ रीजनल कॉलेज की दीवार पर यह नेचर और जो पानी का और प्राकृतिक है उसके हिसाब से यहाँ पे थीम ली गई है। और इसमें जो भी कलाकार हैं वो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, निःशुल्क उनका सहयोग है और नगर निगम के द्वारा उन्हें रंग और ये जो संसाधन है वो उपलब्ध कराए गए हैं। तो इसके साथ हम दोनों कलाकारों का निगम के सहयोग से बन रहा है। सेकंड जो है उसके बाद कलेक्ट्रेट की जो दीवार है वहाँ बनाया जाएगा, तीसरा सांसरी जो कॉलेज है वहाँ बनाया जाएगा, चौथा जिस हिसाब का जो ऑफिस और जो सेशन कोर्ट है वहाँ बनाया जाएगा, इस तरीके से 5वां पटेल मैदान पे होगा। तो ये 5 चरण में हम ये एक बार 5 करेंगे, उसके बाद द्वितीय चरण करना होगा तो समय अनुसार वोट किया जाएगा। तो प्राइज भी रखेंगे? प्राइज तो ये जितने भी हमारे कलाकार हैं कोई ना कोई हम उनको जो है उनको सम्पत्ति जो भी हमारे तरफ से जो भी मोमेंटोज वगैरह होता है वो देंगे। आज मैडम बिल्कुल आज इस अवलोकन करने के लिए आज सवेरे 7 बजे से हमारे सब कलाकार यहाँ लगे हुए हैं और 7 बजे से बना रहे हैं। आज भी 11:30-12 बजे का टाइम था, माननीय संभाग आयुक्त मैडम ने अवलोकन फरमाया, कमिश्नर हमारे निगम के कमिश्नर साहब के साथ में आकर के और बड़ा सराहा उन्होंने, और निश्चित रूप से अभी 3-4 बजे तक सभी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट चरण की थीम भी रखी है इसके अंदर? कोरोना का भी इसमें हर जगह हमने रखा है कि 2 ऐसी थीम रखें जो कोरोना पे संबंधित हो, क्योंकि वर्तमान में कोरोना का भी चल रहा है तो वो भी मोटिवेट है। तो उसमें भी हमने एक आपने देखा होगा तो माँ दुर्गा की एक जो अकला करती है उसमें कोरोना का रूप दिया गया, साथ ही एक पृथ्वी का जो है पृथ्वी को सैन मास्क लगा के दिखाया गया, चारों तरफ ब्रह्मांड में कोरोना के जीवाणु हैं तो उससे कैसे बचाव किया जा सके, ये भी हमने थीम दिए। और इसी तरीके से लगातार हर जगह पूरी कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम और ये सब बन सके कोशिश रहेगी।